हेलो एवरीवन, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, धीरे धीरे सब जुड़ते जाएंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आज हम एब्स्ट्रैक्ट गणेशा पेंटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इस पेंटिंग के रिगार्डिंग ये मेरा ट्यूटोरियल लाइव है। ठीक है, तो इसमें कम्प्लीटली मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी कि पेंटिंग हम कैसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगी। ठीक है, तो आज का जो लाइव सेशन है वो हमारा जस्ट इसमें मैं आपको मटेरियल के बारे में बताऊंगी, जिससे कि जो जो इंटरेस्टेड हैं वो ये पेंटिंग आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि आज मैं एक एक चीज़ आपको डिस्क्राइब करूंगी और वो कैसे, कहाँ से, कैसे आप बाय कर सकते हैं, कैसे आप बना सकते हैं, सब कुछ। सेकंड, कि ये जो गणेशा पेंटिंग है हम इसको कई तरीके से बना सकते हैं, सिंपल कलर ब्रशेस यूज़ करके, प्लस आप इसको कुछ डिफरेंट, जैसे जो मैं सिखाने जा रही हूँ आपको, टेक्सचर टेक्निक से। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं टेक्सचर टेक्निक से बनाना सिखा रही हूँ, तो मैंने इसमें वुडन जो है बेस यूज़ करा है कैनवस के लिए, लाइक दिस। ठीक है, मार्केट में ना टू टाइप के कैनवस मिलते हैं, स्ट्रेच्ड और वुडन बेस में। ठीक है, लेकिन टेक्सचर के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं कंप्लीट, जो पीछे बेस है हमारा वो वुडन होना चाहिए, जिससे कि वो टेक्सचर को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, तो कैनवस मैं खुद बनाती हूँ, मैं बाय नहीं करती हूँ। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि हम घर पर अपना प्रोफेशनली कैनवस कैसे बना सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, तो मैं उसकी अलग से वीडियो बनाकर अपने पेज पर डाल दूंगी, तो आप उसे देखकर आप अपने कैनवस बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, फिर हम पिक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। तीन तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट, कि एक तो फ्री हैंड स्केचिंग सब मोस्टली कर ही लेते हैं, लेकिन अगर हम प्रोफेशनली अगर कोई पेंटिंग बनाते हैं तो हमें या तो ग्रिड यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ग्रिड अगर आप बना सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो ग्रिड की ऐप भी आती है, आप उसके थ्रू भी बना सकते हैं। ओके, और सेकंड क्या है कि आप जो आप पिक्चर बनाने जा रहे हैं, पेंटिंग बनाने जा रहे हैं, आप उसका प्रिंट आउट निकालिए और आप उसको विद कार्बन पेपर से आप उसको ट्रेस कर लीजिए, वो तो वेरी इजी सिंपल हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए ये हमारा ड्रॉ का प्रोसीजर हो गया, कैनवस हो गया, ड्राइंग हो गई। अब हम इसमें क्या क्या मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मेरी आपने पिक्चर देख ली है, मैं ड्रॉ कर चुकी हूँ। जो भी इस पेंटिंग को बनाना चाहता है वो अपना ये यहाँ तक रेडी कर लें। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप फ्री हैंड स्केचिंग नहीं कर सकते, ग्रिड से नहीं कर सकते, तो आप प्रिंट आउट निकलवाइए। ठीक है, और आप उसको पेस्ट कर दीजिए। सेकंड, मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा जो मैं पेंटिंग बनाने जा रही हूँ, ये मेरा 12x16 का कैनवस है। ओके, तो मैं बता रही थी कि हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, तो इसमें हमें ये मास्किंग टेप चाहिए। ठीक है, पैलेट नाइफ्स का सेट आता है, आप इंडिविजुअली आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप आपके पास हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप बाय करना चाहें बाय कर लीजिए। ठीक है, ओके। थर्ड, जो हम टेक्सचर हम इसमें बनाने वाले हैं उसके लिए हमें वॉल पुट्टी पाउडर चाहिए। इसमें भी टू ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, वॉल पुट्टी पाउडर आता है, मार्बल पाउडर आता है। ओके, तो मेरे पास जो इस टाइम अवेलेबल है वो वॉल पुट्टी पाउडर है। ठीक है, उसके लिए, उसका पेस्ट बनाने के लिए हमें फेविकोल एमआर चाहिए। फेविकोल एमआर सबको पता होता है, बेसिक वो सब यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो उससे हम उसका पेस्ट बनाएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में सिखाऊंगी कि हम पेस्ट कैसे बनाएंगे, हम उसको
टेक्सचर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो टेक्सचर के लिए एक तो हमें पैलेट नाइफ्स हो गया, एक जैसे हम जो ब्रशेस यूज़ करते हैं ना, तो हमारे ब्रशेस ख़राब हो जाते हैं तो हम उन्हें फेंक देते हैं कि ये बेकार हो गया है, अब इसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन वही ब्रश हमारे काम आते हैं टेक्सचर के लिए। ओके, तो जो जिस जो जितना हार्ड ब्रश होगा वो उतना ही अच्छा टेक्सचर देगा हमें, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें जस्ट एक्रेलिक कलर्स चाहिए, ब्रशेस चाहिए। ज़्यादा इसमें जो काम है वो हमारा फ्लैट ब्रशेस का रहेगा। फ्लैट ब्रशेस का आप एक सेट ले लीजिए, ठीक है, और जिनके पास है तो वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है और वो बनाना चाहते हैं तो वो ये सामान खरीद सकते हैं। जो वॉल पुट्टी पाउडर है ये एशियन पेंट की किसी भी शॉप से मिल जाएगा आपको, ठीक है। और उसके बाद जब हमारा टेक्सचर रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम जो उसके ऊपर काम करेंगे प्राइमर का, तो मैं जो बेसिकली जो यूज़ करती हूँ वो एशियन पेंट का वॉल प्राइमर यूज़ करती हूँ। हाँ, तो ये वाटर बेस होता है, इसमें हम पानी मिलाकर हम इसे इसका प्राइमर हम करेंगे, ठीक है। ज़्यादा सामान कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं करना, बस ध्यान रखना अगर आप इस पेंटिंग को टेक्सचर से बना रहे हैं तो बेस वुडन होना चाहिए। अगर आप टेक्सचर नहीं करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, जो कलरिंग वर्क है आप उसे फॉलो कर लीजिए, आपकी विदाउट टेक्सचर रेडी हो जाएगी पेंटिंग, ठीक है। तो ये आप सबके लिए बहुत इजी रहेगा। इसके अलावा अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, हरप्रीत कौर मसंस आर्ट के नाम से है, ठीक है। आप पर्सनली मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैम आई वांट टू ज्वाइन योर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, तो मैं उनको पर्सनली अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगी। वहाँ पर जो भी डिटेल आपको चाहिए पर्सनली वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, बाकी जो मेरी वीडियोस हैं, ये जो लाइव सेशन की वीडियोस हैं, ये मेरे पेज पर ही रहेंगी। आप जब भी फ्री हो, जब भी आपको टाइम मिले, आप ये वीडियोस देखकर अपना पेंटिंग बना सकते हैं, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट सेशन जो है संडे इसी टाइम करेंगे, ठीक है। और अगर किसी को कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वारी है, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनको मैं रिप्लाई कर दूंगी, पर्सनली भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, नमस्ते, सत श्री अकाल सारे लोग।